नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का दल चूराचांदपुर पहुंचा। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। ये सांसद 30 जुलाई तक यहां रहेंगे और जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। राज्य में 3 महीनों से जारी हिंसा और यहाँ के लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार और संसद को अपनी राय भी देंगे। इस बीच मणिपुर में 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाने के मामले में सीबीआई ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने 27 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। साथ ही हलफनामा दायर कर मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की अपील भी की थी। उधर मणिपुर की राजधानी इम्फाल में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शांति की अपील की और कहा कि कुकी समुदाय के लिए प्रशासन अलग से कोई नियम ना बनाए। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके रिलीफ कैंप में जाकर हिंसा पीड़ितों से मिली। यहां उन्होंने एक महिला को गले लगाकर डांडस बताया। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।